कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान दो हफ्ते का वचन जो दिया था कहां दिया था, अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है, इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई दो लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृतकाल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वन तो वर्तमान को सुधार सकती है ना भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल की को जिम्मेदार ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अगले 1000 साल के झूठे सपने दिखाने वाले, अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे? जनता अब न तो किसी बहकावे में आएगी और न किसी के बहलावे फुसलावे में आएगी। जो लोग कहते हैं कि अमृत काल की बात करने वाले, जनता का जागरण काल आ गया है। आज इस सदन में नए राजनीतिक जागरण के अनेक प्रतिनिधि बैठे हैं। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई के साथ हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ बात रखेंगे।